का हाल अभी तक हमारे पास हमारे सामने कोई काफिला अभी तक नहीं गुजरा। मैं यहाँ पर इसी एंट्री पॉइंट पे मौजूद हूँ, जबकि हमारे पास इत्तला ये थी कि यहीं से उन्होंने एंटर होना है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ से उनका काफिला नहीं आया। पुलिस जरूर हाई अलर्ट है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो चौक के दरमियान खड़ा है और कोन्स भी लगाई है। और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है या फिर मजीद कोई फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात की गई हैं? जी, यहाँ एफसी और रेंजर्स ऑलरेडी यहाँ रेड जोन के एंट्री पॉइंट पे मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जो है वो पहले बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर चौक में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर दी है और ट्रैफिक को वो खुद बजाय इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं उसकी जगह उन्होंने मैनुअल जो है उसको चलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आज हमारे साथ ही रहिएगा। अरफा फिरोजा की भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे रखा था 4:30 बजे और बताया ये जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नैब की टीम लेके रवाना हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, रास्ते में है। जैसे कि हमारे नुमाइंदगान हमें बता भी रहे थे, अयाज अकबर यूसुफ जई ने हमें बताया कि सख्त सिक्योरिटी हिसार और जाहरी बात है कि पुलिस की टीम इमरान खान को लेके निकली है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और जैसे हमें बता भी रहे थे अयाज अकबर यूसुफ जई कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात वैसे ही थे अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए शहर में, लेकिन क्योंकि इमरान खान एक अलग जो सूरत हाल अभी डेवलप हुई है 4:30 बजे बुलाने की, तो एक खसूसी तौर पर ये फौरी तौर पर इंतजामात किए, मजीद मुतहरिक हो गए। इस्लामाबाद पुलिस एफसी और रेंजर्स की नफरी मौजूद है और अयाज ये बता रहे हैं कि बाकी रेड जोन तो सील है लेकिन जो वहाँ पर रिहायशी हैं एक ही पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, और ये भी बता रहे हैं कि वन वे से भी हो सकता है कि उनको पहुँचा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 4:30 बजे बुलाया था, अभी तकरीबन 10 मिनट और गुजर चुके हैं। तो देखना यह है कि कब इमरान खान पहुंचते हैं, 15 से 20 मिनट का फासला है ये बताया जा रहा है। लेकिन अयाज अकबर यूसुफ़ई ने जो बताया कि कुछ गाड़ियां हैं ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल है, तो थोड़ा सा मजीद वक्त इसमें लग सकता है कि उनके लिए रूट को क्लियर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट पहुँचाया जाए। ऑपरेशन यहाँ खुद आए सुप्रीम कोर्ट में सारे अहाते का जायजा लेने, यहाँ पर क्या सिक्योरिटी इंतजाम है वो खुद देख रहे हैं, गार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर, एफ सी मौजूद है, पुलिस मौजूद है और पुलिस ही अपने सिक्योरिटी हिसार में लेके आ रही है। जैसे अभी बता भी रहे थे हम, वैसे भी ये अब सबको पता है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट भी है, वो कई बार खुद भी कह चुके हैं, इसका जिक्र भी अदालत ने किया उनके वकला ने आज। बिल्कुल, तो इसके लिए खसूसी तौर पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं और ऑफ कोर्स एकदम से बुला लिया गया इमरान खान को, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने 8 रोज का उनका जिस्मानी रिमांड दिया था नैब को, तो इमरान खान नैब की तहवील में थे और आज फिर जो गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त जमा करवाई गई पीटीआई के वकला की जानिब से, नुमाइंदगान की जानिब से, कि इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके खिलाफ नोटिस लिया अदालत, 3 रुकनी बेंच ने आज फिर उसकी समाअत की और समाअत के दौरान कई कार के ऊपर बड़ी बहस हो रही थी और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया, जिस पर यह हुक्म दिया गया 4:30 बजे इमरान खान को पेश किया जाए और उसके बाद ये सारे इंतजाम आप देख रहे हैं।